व्हाट्सअप एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जब भी आप आपका फूड का कैलोरीज ट्रैक करते हो, तभी आपको रॉ फूड को ट्रैक करना है या कुक फूड को ट्रैक करना है। तो जनरली जब भी आप आपके मसल बिल्डिंग गोल में होते हैं या आपके फैट लॉस गोल में होते हैं, तो यूजुअली पीपल टेंड टू ट्रैक देयर ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन सो दैट दे कैन स्टे इन ए कैलोरी डेफिसिट टू लूज फैट और दे कैन इंक्रीज देयर प्रोटीन कंजम्पशन सो एज टू बिल्ड मसल्स। तो जब भी आप आपका फूड ट्रैक करेंगे तो एक कन्फ्यूजन आपको ज़रूर आएगा कि हमें अपना रॉ फूड को ट्रैक करना है या कुक फूड को ट्रैक करना है, ताकि अपना कैलोरी ओवरऑल कैलोरी ट्रैकिंग का एक्यूरेसी हम बढ़ा पाए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको काफ़ी सारे डिटेल्स समझ में आएंगे इन दोनों फूड्स के बारे में और कौन सा हमें यूज़ करना है हमारे ट्रैकिंग एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। सो इन टर्म्स ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, यू वोंट फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रॉ एंड द कुक फूड। हाँ, थोड़ा सा अगर आप ग्रिल कर रहे हैं या कोई हैवी कुकिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा फैट कंटेंट कम हो सकता है इन केस ऑफ द कुक फूड, बट देर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। एंड इवन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन कंटेंट माइट वेरी अ बिट, बट आप इस माइनर चेंजेस को निग्लेक्ट कर सकते हैं, देर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दोज। एंड इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो होते हैं हमारे विटामिंस एंड मिनरल्स, यू विल सी दैट आफ्टर कुकिंग देर आर चांसेस कि जो विटामिंस एंड मिनरल्स है वो वॉश अवे हो जाए, क्योंकि जब कुक करते हैं आप तो आप हीटिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, आप वाटर भी यूज़ करेंगे, तो जो विटामिंस एंड मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी सारे वाटर सोल्यूबल भी होते हैं, तो देर आर चांसेस कि वो बह जाए जब आप उसे क्लीन करेंगे या कुक करेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट इन टर्म्स ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द रॉ एंड कुक फूड। Course, there will always be some changes in terms of the weight between the raw and the cooked food of same quantity. क्योंकि जब आप रॉ फूड को देखेंगे तो उसका मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंट हो सकता है या उसका प्रॉपर्टी टू बिहेव विद द हीट वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो जब आप कुक करेंगे तो यू विल यूज़ वाटर और यू विल यूज़ हीट, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट देर माइट बी चेंजेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट फूड विच माइट रिजल्ट इन द चेंजेस इन दर ओवरऑल वेट। तो जो भी कॉमन फूड्स हम डेली बेसिस में यूज़ करते हैं उनका मैंने वेट ट्रैक किया बिफोर कुकिंग एंड आफ्टर कुकिंग, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स हियर। सो इन टर्म्स ऑफ द चिकन एंड वेजिटेबल्स, आई फाउंड दैट द ओवरऑल वेट रिड्यूस्ड, सो यू कैन सी द परसेंटेज ऑफ द वेट रिडक्शन हियर। एंड इन टर्म्स ऑफ द पास्ता, राइस एंड दाल, यू कैन सी दैट देयर ओवरऑल वेट इंक्रीज्ड आफ्टर कुकिंग, सो यू कैन सी द ओवरऑल डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ द रॉ वेट एंड द कुक्ड वेट। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट फूड द वेट विल ऑलवेज चेंज बिफोर कुकिंग एंड आफ्टर कुकिंग। Yes, of course, your tracking results will vary depending upon what you are inputting, whether you are inputting raw foods or you are inputting the cooked food. Because जब भी आप ट्रैकिंग applications use करते हैं तो आप overall quantity of food डालते हैं, तो उसमें जब आप type of food different डालेंगे तो quantity भी vary होगा। तो अगर आपको मैं एक short example दूँ, if you are tracking 100 grams of raw chicken, okay? So अगर आपने 100 grams of raw chicken लिया और उसको track किया, but जब आप खा रहे तब आप 100 grams of boiled chicken ले रहे हैं, तो अगर आप वो boiled chicken लेंगे 100 grams, that won't be equivalent to 100 grams of raw chicken, because if you want to equate between the 100 grams of raw chicken and 100 grams of boiled chicken, तो आपको chicken का जो overall ये होगा quantity वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। If you take 125 grams of raw chicken, उसको आप boil करेंगे तब आपको मिलेगा 100 grams of boiled chicken। तो अगर आप ऐसे करते हो कि अगर आपने 100 grams of raw chicken लिया है, उसको boil करके आप tracking में भी 100 grams of boiled chicken डाल रहे हो, तो आपका overall tracking results different आएगा, क्योंकि आपको 100 grams of raw chicken will never give you 100 grams of boiled chicken. It will reduce its overall weight and it will give you around 75 grams of boiled chicken. तो ये छोटा सा वेरिएशन हो सकता है काफी सारे डिफरेंट फूड्स के साथ, बिकॉज वेट चेंज होता है हमेशा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सो इट डजेंट मैटर वेदर यू ट्रैक रॉ फूड और कुक फूड, एज आई ऑलरेडी मैंशन, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी है उसमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा आपको ज़्यादा। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन वॉन्ट वेरी मच, बट जो क्वांटिटी ऑफ फूड है वो वेरी होगा। तो जब भी आप ट्रैक करेंगे, इफ यू आर वेइंग द रॉ फूड्स देन यू इनपुट द रॉ फूड्स ओनली, एंड इफ यू आर वेइंग द कुक फूड देन यू इनपुट द कुक फूड। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, बट अगर आप वे रॉ फूड कर रहे और आप इनपुट में बॉइल्ड फूड डाल रहे तो आपका वेरिएशन होगा ट्रैकिंग में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो जनरली मैं रेकमेंड करूंगा कि जो भी फूड्स आप कोई रेसिपी में ऐसे ऐड ऑन डालते, जैसे कि आपका दाल हो गया, सब्जी हो गया, तो उसे आप बाद में वे नहीं कर पाओगे, तो उसको काफ़ी डिफिकल्ट होगा वे करने के, क्योंकि एक बार दाल बन गया तो आप थोड़ी उसका वेजिटेबल निकाल के वे करेंगे। तो इन सारे फूड्स को आप पहले ही रॉ में, रॉ कंडीशन में वे कर
कर लो और फिर ट्रैक कर लो तो वो आपको इजी पड़ेगा ओवरऑल कैलोरीज जानने के लिए. एंड इन टर्म्स ऑफ द फूड्स विच यू ईट सेपरेटली, लाइक अगर आप चिकन ग्रिल कर रहे, पनीर ग्रिल कर रहे, मशरूम ग्रिल कर रहे, या जो भी ऐसे सेपरेटली आप जो फूड खाते उसको आप आफ्टर कुकिंग भी ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपको वो वेट एक्यूरेट मिलेगा इवन आफ्टर कुकिंग, और इट्स पॉसिबल टू वे देम इवन आफ्टर कुकिंग. सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट द एक्यूरेट वैल्यूज. तो अगर आप इस तरीके से ट्रैक करते हो तो आपका ओवरऑल कैलोरी इंटेक जो आप ट्रैक कर रहे हो वो काफ़ी एक्यूरेट आएगा. बट इफ़ यू कीप ऑन मेकिंग दिस मिस्टेक्स बिटवीन द बॉयल एंड रॉ फूड, एक दिन में तो डिफरेंस नहीं दिखने को मिलेगा आपको ज़्यादा, बट ओवरऑल अगर आप डे टू डे कैलकुलेट करते रहेंगे गलतियाँ करते हुए तो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा जो आपके फैट लॉस को या मसल बिल्डिंग प्रोसेस को हैम्पर कर सकता है. तो आई होप आपका काफ़ी सारा कन्फ्यूजन इन टर्म्स ऑफ द रॉ फूड ट्रैकिंग और कुक फूड ट्रैकिंग क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में. एंड इफ इट डिड देन गिव दिस वीडियो ए लाइक, शेयर विद एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सफल, स्टे स्ट्रॉन्ग.